दोस्तों आज आप गल करांगे रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सट्रैक्शन जिन्हों RLE भी कहते हैं। RLE की है? RLE एक नॉर्मल प्रोसीजर है जिदे विच ओ लेंस जो साडा कुदरती लेंस है जिदे विच मोतियाबिंद नहीं है हले असी उनू आर्टिफिशियल लेंस ना चेंज कर देने हाँ ताकि थोड़ी एनक दा नंबर उतर सके। ओ सब लोग जो एनक उतारना चाहते हैं पर ओ लेजर वास्ते या ICL सर्जरी वास्ते फिट नहीं है तो RLE इज़ अ वेरी कॉमन प्रोसीजर, उन्होंने वास्ते असी RLE करके थोड़ी अख का नंबर उतार सकते हैं। दूजी गल जे थोड़ी उम्र 60 साल के आस पास है और कैटरेक्ट चेंजिस हले होनिया शुरू हुई हैं तो लेजर कराने के बजाय असी चाहते हाँ कि थोड़ी RLE की जाए, क्योंकि ये गल समझ की लड़ है कि जो भी थोड़ी लेंस में कुछ लेंटिकुलर चेंजिस थोड़े नॉर्मली लेंस के मोतियाबिंद चेंजिस कुछ शुरू होनिया शुरू हो चाहे मोतियाबिंद बनने हाले 4-5 साल लगन गए पर जो भी चेंजिस हौली हौली वधनगियां थोड़ी अख का नंबर बदलता जाएगा। ये लोगों में जे असी लेजर का नंबर उन्होंने उतार दीए तो 2-3 साल बाद कई बार नंबर दोबारा आना शुरू हो जाता है क्योंकि थोड़ी अख में मोतियाबिंद बनना शुरू हो गया है। जे असी चाहते हाँ कि सानू एनक की लोड़ ना पवे, जिहड़ा मोतियाबिंद हाले उतरिया नहीं है पूरी तरह लेकिन उतरना शुरू होया है तो RLE इज़ द बेस्ट प्रोसीजर। वो लोगों में जिन्हों की लेजर नहीं हो सकती, उन्हों की उम्र 60 साल तो ज़्यादा है, लेंटिकुलर चेंजिस शुरू हुई हैं, रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सट्रैक्शन इज़ द बेस्ट प्रोसीजर। ये असी जिदा मोतियाबिंद के पेशेंट में उसका कुदरती लेंस कट के आर्टिफिशियल लेंस पा दें हाँ और थोड़ी दूर और नेड़े की निगाह बिना चश्मे तो ठीक कर दें हाँ। रिफ्रैक्टिव लेंस में मोतियाबिंद की शुरुआत में या मोतियाबिंद हाले होया ही नहीं है तो असी नॉर्मली लेंस जिहड़ा कुदरती लेंस है असी उन्हों काट के आर्टिफिशियल लेंस पा दें हाँ जिदे भी थोड़ी अख का जो चश्मा लग्या है जो एनक का नंबर है वह उतर जाता है और एक बहुत ही सेफ और बड़ा कॉमन प्रोसीजर है। Thank you.